आपने ये एक स्टील का चम्मच इसके साथ ऐसे रख देना, कभी भी धनिया ख़राब नहीं होगा। और ये कुछ जो पानी बोलते हैं अच्छा ये जी मैंने साथ थोड़े से मसर बना लिए, साथ थोड़े से न राय। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज के व्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है, मगर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बातें हैं जिनकी वजह से आप और आपके बच्चे बहुत पुरसकून और अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी आज मैं बना रही हूँ चाय, और ये आपके लिए शायद दूध पत्ती होगी मगर मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग टी है क्योंकि हम घर में इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने आज लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची के साथ मैंने चाय बनाई है क्योंकि ये जो चेंजिंग वाला मौसम है, जो आजकल जो मौसम एकदम जो चेंज होता है, तो दोपहर को गर्मी होती है और रात को अच्छी ठंड होती है, तो उसकी वजह से बच्चों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और बच्चों के जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ये चाय मस्ट आप ना रात को या सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में या डिनर के बाद थोड़ी सी लाजमी दें, ठीक है। इससे बच्चे आपके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे, उनको ज़ुकाम नहीं होगा और गले ख़राब नहीं होंगे। तो आज मैंने अपना ज़रा सिंपल सा नाश्ता बनाया क्योंकि आज मेरा पराठे का दिल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज मेरे थोड़े से मेरे एक दांत में दर्द थी, तो मुझे रोटी चुबाने में थोड़ा सा मसला और था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं चाय भी बनाती हूँ और अपना नाश्ता बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज का टॉपिक ना बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने आज रेसिपी इसलिए कोई नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिल था कि आपके साथ मैं ना ये कुछ बातें शेयर करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं समझती हूँ बहुत सी माएँ ऐसा करती भी होंगी, ठीक है। तो आते हैं जी अपने पॉइंट के ऊपर। जैसे कि सब ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हों, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, समझदार हो, तमीज़दार हों। तो ये सब चीज़ें एक लाइफ स्किल में आती हैं, ठीक है। और ये लाइफ स्किल जो होती है ना, वो छोटी सी उम्र में, जो बच्चों की जो छोटी उम्र से ही आप उनको इनकरेज करते हो। और अगर आप सोचते हो कि अभी बच्चा छोटा है तो अभी रहने दें, तो ये बात बहुत गलत है, ठीक है। आपने बच्चों को खुद को कंट्रोल देना है बच्चे को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बच्चा सुबह जा रहा है स्कूल और उसने कोई वाटर बॉटल लेकर जानी है, ठीक है। आपने दो उसके सामने बोतल रखनी है, ऑप्शंस आपने देने हैं, चॉइस वो करेगा, ठीक है। जैसे कि इशाल जाती है, इशाल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इशाल जाती है तो मैं कहती हूँ बेटा आपने कौन सी वाटर बॉटल लेकर जानी है, वो कहती है ममा ब्लू या वाइट या पिंक, तो मैं वो देती हूँ। मैं लंच का पूछती हूँ बेटा आपने ब्रेड लेकर जाना है या कोई भी स्नैक लेकर जाना है क्या, मैं ऑप्शंस देती हूँ और वो सिलेक्ट करता है और वो चूज़ करता है। पूरी चीज़ आपने बच्चे के ऊपर नहीं छोड़ देनी कि बेटा आप क्या खाना पसंद करते हो, नहीं, इस तरह तो बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। आपने उसको ऑप्शंस देने हैं और बच्चा खुद चॉइस करेगा। इससे बच्चे के अंदर एक फ़ैसला करने की क्वालिटी आती है, ठीक है। वो अपना अच्छा बुरा फ़ैसला कर सकता है, उसको पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है और मैंने इस चीज़ को चूज़ करना है, वो उसका फ़ैसला होता है, ठीक है। और सेकंड बात, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और उसके मार्क्स कम आते हैं, उसका ग्रेड कम आते हैं, तो आपने 24 घंटे बच्चे के सर पे सवार नहीं रहना। जैसे मेरी जैसी माएँ, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, जब मेरे बच्चे के थोड़े से नंबर कम आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, और अयान मुझे देख के कहता था कि मम्मा नहीं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा किस लेवल का है और वो कितना पढ़ने वाला है। अगर बच्चे के थोड़े से मार्क्स कभी कम आ भी जाए ना, तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा प्लीज़ काइंडली आप थोड़ी सी और मेहनत करें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे, इससे भी अच्छे बेटर आपके मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छा आप रिज़ल्ट देंगे, ताकि आपके पेरेंट्स हैप्पी रहें, बाबा हैप्पी हों। तो इस तरह मैं बच्चे को थोड़ा सा फोर्स करती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ये होता है कि अगर आप बहुत सख्ती करते हैं और छोड़ देती हैं, तो इस तरह बच्चा बिल्कुल ही फ्री हैंड हो जाता है और वो समझने लग जाता है कि भी मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तो बस ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख के बने, तो आपने ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों के साथ लाजमी करनी है। अच्छा, और मेरी फैमिली जब मेरे घर आती है तो वो कहती हैं कि अनम तुमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती में पाला है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर हो। मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टनेस नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं इसको मैनर्स में लेकर आती हूँ, ठीक है। एक जो आपने ना एक छोटी सी उम्र से जो बच्चे को एक जो लाइफ स्किल जो सिखाते हैं वो बच्चे के मैनर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो जब वो चेंज करते हैं, कपड़े अपने उतारते हैं और यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो जब वो स्कूल से आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि मम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं। तो मैं उन्हें एक ही आवाज़ देती हूँ कि बेटा जहाँ पे आप उतार के रखे गए थे वहीं पर ही देखें। तो बच्चा जब अपने कपड़े ढूंढता है ना, तो उसको जब मिलते नहीं है उस वक्त तो उसको थोड़ी सी टेंशन होती है। बहरहाल उसके लिए एक लेसन होता है कि कल जहाँ पर भी मैं अपने कपड़े उतार के जाऊँगा तो मुझे वहीं पर ही मिलेंगे, बेशक बच्चों की जूतियाँ हों या वो हों। ये चीज़ मैंने बच्चों के अंदर डाली है। और इसके साथ साथ ही मैंने बच्चों को ये भी सिखाया कि बेटा जब आप खाने की टेबल पे बैठते हो डाइनिंग पे, तो आपने अपने बर्तन खुद उठा के रखे आने, आपके बर्तन कोई उठा के नहीं रखेगा। इससे एक थोड़ा सा जैसे भी डिसिप्लिन आता है। और जो मेरे और मेरे हस्बैंड के जो बर्तन होते हैं वो मेरे बच्चे ही उठाते हैं, बल्कि इन बच्चों में थोड़ी सी बहस हो रही होती है। वो कहते हैं मैं मम्मा के बर्तन उठाऊँगा, वो कहते हैं मैं बाबा के बर्तन उठाऊँगा। तो इस तरह एक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी आती है। और मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, तो इस चीज़ों से आप भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों की लाइफ आप एक अच्छी बना रहे होते हैं। क्योंकि मैं बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा ये घर हमारा है और हमने ही इसको साफ़ रखना है और इसकी हमने ही काम करने हैं और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं होता कि बेटा जस्ट माँ ही काम करती है, नहीं, ये बात गलत है कि सिर्फ एक माँ है वो 24 घंटे काम करेगी, नहीं। बच्चों को मैनर सिखाना भी एक माँ का काम है। तो ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। अगर कुछ लोग समझते हैं, मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स कहते हैं कि अनम तुम अपने बच्चों को इस तरह इतनी स्ट्रिक्टनेस से, अगर वो समझते हैं तो मैं बच्चों के फैसले में ना मैं किसी को नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे किस तरीके से पालने हैं, ठीक है। और मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की थोड़ी सी लड़ाई या कोई बहस हो जाती है। तो आपने कभी भी बच्चे को ये नहीं नेक्स्ट डे सिखा के भेजना कि बेटा ख़बरदार अगर आप उससे कभी बोले, आपने उसकी तरफ देखना नहीं है, आपने बिल्कुल कट ऑफ कर लेना है, नहीं। मैं अगर अपने बच्चों को समझाती हूँ, अयान को ज़्यादातर होता है क्योंकि बेटा है तो इनके ज़्यादा थोड़े से ज़रा इशूज़ थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चा है, समझ नहीं है उसे। तो मैं अपने बेटे को समझाती हूँ कि बेटा अगर उसने आपके साथ कुछ कर लिया है, पहली बात तो आपने बोलना नहीं है, आपने चुप रहना है, ठीक है। और सेकंड, जब वो नेक्स्ट डे जाता है तो मैं उसको ये समझा के भेजती हूँ कि अयान आपने उस बच्चे से जाकर खुद सबसे पहले हाथ मिलाना है, सलाम करना है। इससे जो दिलों में जो नफ़रतें होती हैं, बच्चे होते हैं ना छोटे, तो कोई ना कोई बात पे कोई बहस हो जाती है, तो बेटा जो दिल में नफ़रत होती है ना, तो वो ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर वो आपसे ना भी मिलाए तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो कोई बात करे तो आपने आगे स्माइल करनी है। आपने किसी को शो होने ही नहीं देना है कि उसकी कोई बात का असर आपके ऊपर हो रहा है, किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना। मैं ये भी साथ समझाती हूँ, ये नहीं कहती कि बेटा बस अब आपने बर्दाश्त ही करते रहना है, बस इस तरीके से बच्चे को समझाना है ताकि बच्चे का जो थोड़ी सी टेंशन है वो उसकी कम हो, ना कि इंक्रीज़ हो। आप बच्चे को समझा रहे हैं गलत कि नहीं भी अब आपने उसको मार के आना है, अब आपने ये करके आना, नहीं। मैंने कभी भी अपने बच्चों को ये चीज़ कभी भी नहीं सिखाई है। मैंने हमेशा बच्चों को सिखाया कि थोड़ा सा बेटा झुक के रहना। जो झुक के इंसान रहता है ना, मैं नहीं समझती कि कभी वो परेशान होता है। बस मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर इंसान का अपना अपना है, तो ठीक है। और एक और मैंने अपने घर में ना मैनर बहुत अच्छा रखा हुआ है कि मेरे घर में कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो मेरे बच्चे बगैर पूछे, बेशक मेरे बच्चों ने एक दूसरे की चीज़ लेनी हो या घर से कोई चीज़ उठानी हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा वो चीज़ पूछ के उठाती हैं। ये बात मुझे इस तरीके से अभी याद आई कि बाजी आई थी परसों, तो फ्रूट पड़ा हुआ था डाइनिंग पे, तो अबिया और ईशाल आए और उन्होंने कहा कि मम्मा, मैं ऊपर किचन में थी, तो मैंने कहा जी, कहते मम्मा हम ये एप्पल ले लें। तो मेरी जो हेल्पर हैं उन्होंने कहा कि ये भी फ्रूट तुम्हारा ही है तो तुम उठाओ और खा लो। तो अबिया ने कहा कि नहीं आंटी, जब तक हम मम्मा से नहीं पूछते हैं तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं उठाते। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अब अनम ये क्या बात हो गई, अपने घर में ही बच्चा पूछ के उठाएगा, नहीं। ये घर से आपका बच्चा सीखेगा ना, तो फिर जब आपके घर या किसी के घर बच्चा जाता है, किसी और के घर जाता है, तो वहाँ पे वो बगैर पूछे किसी की चीज़ नहीं उठा लेगा। क्योंकि जब आपको पता ही होगा कि जब हमारे कोई भी बच्चा, कोई गेस्ट का बच्चा आता है, बगैर पूछे ऐसे हाथ मारने लग जाए, चीज़ें उठाने लग जाए, तो वो थोड़ा सा ज़रा अजीब सा फील होता है कि ये कितनी बुरी आदत है। तो यही चीज़ मैंने बच्चों को सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे घर में भी चीज़ हमेशा पूछ के ही उठाते हैं और किसी के घर जाके तो बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी आते हैं जो मैं अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैं जो बच्चों के साथ करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि ये मैं बहुत अच्छी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ील होता है ऐसे, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इसी तरीके से छोटी छोटी हैबिट्स सिखाने से। और कभी जब मैं परेशान होती हूँ, तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि शुरू में जब मैं परेशान होती थी तो मैं थोड़ा सा लाउडली बोलती थी। तो मैंने जब देखा कि मेरे बच्चे मुझे ही देख के थोड़ा सा लाउड, आपस में लाउड बोलते हैं, ना कि पेरेंट्स के साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बदतमीज़ी कभी भी हमारे साथ नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आपस में वो थोड़ा सा लाउड बोलने लग गए थे ना, तो मुझे खुद ना थोड़ी सी, जैसे भी एक इंसान शर्म फील करता है ना, तो बस फिर मुझे भी ऐसा ही फील होने लग गया। तो मैंने कहा नहीं, भी आज के बाद ऐसा नहीं करना। और अब मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है कि जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं अपनी जो मेरी तस्बीहात हैं वो मैं करती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ और बस। और यही चीज़ मेरे बच्चे मुझे देख के इतना जैसे भी अडॉप्ट करते हैं ये चीज़ को, कि उनको फील भी होता है कि मम्मा मेरी परेशान है, तो इसलिए वो थोड़ा सा, ज़ाहिर बात है जैसे भी बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के फेस को भी देख के फील कर लेते हैं। तो बस ये है कि अब मैं शाउट नहीं करती हूँ, और पहले इतना शाउट तो नहीं करती थी, बहरहाल थोड़ा करती थी, मगर शाउट नहीं करती हूँ। थोड़ा सा भी बच्चों को समझा देती हूँ कि बेटा मैं परेशान हूँ, काइंडली आप भी कोई बहस ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें इस तरह। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे समझदार हैं। और जी साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि आज जितनी भी ये सेटिंग, ये जो दराज की है किचन की, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह अबीहा नहीं की है। मैं ऐसे छोटे छोटे काम अपनी बच्ची को हमेशा से ही कहती रहती हूँ, और अबीहा में ये बहुत मैनर्स हैं, और बेशक अयान में भी। और मैंने कभी भी दोनों में डिफरेंस नहीं रखा कि नहीं भी अयान बेटा है तो वो काम नहीं करेगा और बेटी तो वो करेगी नहीं, ये कभी तो मेरे घर में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। बेटा बेटी सब एक जैसे बराबर हैं। और पहले तो था ना माएँ के बेटों को बड़ी ज़्यादा करती थी कि नहीं बेटा तुम बैठो इस तरह, ये वो, हाँ तुम्हारी बहन करेगी। मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, सभी काम करते हैं और सब अपना अपना खुद काम करते हैं, और जो पेरेंट्स का काम, जो हमारा काम है, वो भी हमारे बच्चे छोटे मोटे काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया, नहीं, मैनर्स हैं। और मुझे अब इस चीज़ का है कि जो मुझे कुछ बातें करते थे तो उनको भी इस चीज़ में उनका आंसर मिल गया होगा कि मैं अपने बच्चों को क्यों अच्छी ये चीज़ें सिखाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जैसे कम मोबाइल यूज़ करो बेटा, हेल्दी खाओ, और जो चीज़ आपके पास है उसमें ही शुक्र अदा करो। किसी की चीज़ को देख के ये चीज़ ना करो हाय हमारे पास नहीं है, हाय कभी नहीं करना चाहिए। अगले की आप कोई चीज़ देखते हो, कोई गाड़ी, घर, कोई भी चीज़, तो माशाल्लाह कहना चाहिए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको कितनी अच्छी दी है, या अल्लाह हमें भी ऐसी दी। तो अच्छी ख्वाहिशें ऐसे करनी चाहिए। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाती हूँ और ख़ुद उनके सामने बोलती हूँ ताकि बच्चों में भी ये चीज़ आए। तो ये था जी मेरा आज का फुल व्लॉग। और आज का व्लॉग बनाने में, अपलोड, ये वॉइस ओवर करने में मुझे इतनी मुश्किल हुई है। जब भी मैं कोई बात करना स्टार्ट करती थी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। बहुत मुश्किल से ये वॉइस की है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वॉइस पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।